तो ये है जनता की रेसिपी, यू गाइस वोटेड फॉर इट। चलिए बनाते हैं बनौफी पाई। जैसा कि आप लोग ने देखा, टुडेज रेसिपी इज अ स्वीट एंड डिलीशियस बनौफी पाई। बहुत सिंपल रेसिपी है गाइस, इट इज रियली रियली इजी टू मेक एंड ट्रस्ट मी, ओवन की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू बेक एनीथिंग। एक फ्राइंग पैन पे एक टॉफी बनानी है, बनानास आपको उगाने नहीं है, आपको मार्केट से बनानास मिल जाएंगे बहुत ईजिली, एंड यू कैन मेक दिस एट होम इन नो टाइम। तो रेसिपी हिस्ट्री है ब्रिटिश, यस द ब्रिटिश आए चले गए लेकिन बनौफी पाई छोड़ गए, एंड इट हैज एक्चुअली पिक्ड अप मोर पेस एंड मोर पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड क्योंकि ये इतना सिंपल है यार, बनाने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, तो आई एम श्योर इट्स गोना बी पॉपुलर। अब रेसिपी फेयरली सिंपल है, एक पेस बनाना है, एक टॉफी बनानी है, बनाना स्लाइस करने है, एंड जस्ट सम व्हिपिंग क्रीम। Everything gets done in a matter of an hour and बस इसे फ्रिज में चिल करने रख दीजिए, कट आउट स्लाइस एंड स्लाइस देखते ही खत्म हो जाता है भाई। और अगर आपके पास ये टार्ट मोल्ड नहीं है, यू कैन मेक दिस इन एनी टिन कंटेनर दैट यू हैव, एनी स्टील बोल यू हैव, जस्ट उसे लाइन कर दीजिए विद सम बटर, मेक दिस बेस एंड इट विल पॉप ऑफ आफ्टर इट इज कूल डाउन। सो आई होप दैट डजंट डिटर एनी ऑफ यू गाइज फ्रॉम मेकिंग दिस रेसिपी। चलिए बहुत हो गई बकवास, बनाते हैं बनौफी पाई, जनता की रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस गाइस, बिस्किट ले लीजिए एक बोल में एंड स्टार्ट क्रशिंग इट, रिमेंबर टू कीप इट इन द बोल व्हाइल यू आर डूइंग दिस, एंड थोड़ी देर में ये पाउडर हो जाएगा। नाउ वी विल ऐड सम लिक्विड गोल्ड व्हिच इज बटर टू दिस, एंड लुक एट दैट, दैट लुक्स क्रेजी। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू अ मोल्ड। अब मेरे पास ये टार्ट मोल्ड है, आपके पास कोई केक मोल्ड होगा वो भी यूज कर सकते हैं। जस्ट गोइंग टू पुट दिस इन दिस टार्ट मोल्ड और अब इसे हम स्प्रेड करेंगे। आई एम गोना यूज अ ग्लास टू फ्लैटन द सरफेस, साइड्स को थोड़ा दबा के शेप दे दीजिए एंड जस्ट मेक श्योर द एंटायर सरफेस इज नाइस एंड इवन। अब इसे रख देते हैं हम फ्रिज में, तब तक बनाते हैं द जुगाड़ू टॉफी। तो बेसिकली बटर ले लीजिए, इसमें डालेंगे सम ब्राउन शुगर, इफ यू हैव रेगुलर शुगर यूज रेगुलर शुगर, मेल्ट दिस डाउन टिल द शुगर इज डिसॉल्वड एंड ब्रिंग इट टू अ बॉइल। अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, तो काफी सारा कंडेंस मिल्क है एंड इफ यू आर ऑन अ डाइट आई एम रियली सॉरी। नाउ वी आर गोना कुक दिस एंड ब्रिंग दिस टू अ स्लो बॉइल, 5 से 6 मिनट इसे पकाना है, बट गैस काफी लो रखिए क्योंकि ये जो है ये आप भूल गए गैस पे तो ये डेफिनेटली जलने वाला है। एंड आफ्टर यू हैव कुक्ड इट फॉर 3 to 4 मिनट्स बस इसे निकाल दीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे डाल देते हैं हमारी बेस के ऊपर, पोर दैट टॉफी इनटू योर मोल्ड और इसे रूम टेम्परेचर में आने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तब तक आप बनाना काट दीजिए विच आर द नेक्स्ट स्टेप। अब निकाल दीजिए वापस बनौफी, एक्चुअली ओनली ओफी। अब डालते हैं बनानास विच विल मेक इट बनौफी, लेयर देम आउट नाइसली अक्रॉस द सर्फेस, यू कैन ओवरलैप देम ऑल्सो, इट डजेंट मैटर, एंड दिस इज गोइंग बैक इन द फ्रिज फॉर 1 आवर। एक घंटा इसे फ्रिज में रख दीजिए, तब तक आप रेडी कर दीजिए व्हिप क्रीम। बोल में डाल दीजिए सम व्हिपिंग क्रीम एंड व्हिप करना शुरू कर दीजिए, एंड यू डोंट वांट टू ओवर व्हिप इट, यू वांट दैट नाइस शाइनीनेस अलोंग विद दो स्टिफ पीक्स, तो ज़्यादा व्हिप मत कीजिए, इट विल लूज दैट शाइन। अब आ गया हमारा बनौफी आउट ऑफ द फ्रिज, इसमें मैं थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम डाल के स्प्रेड करूंगा जस्ट विद अ स्पून, और बाकी का जो व्हिपिंग क्रीम है वो मैंने डाल दिया है पाइपिंग बैग के अंदर विद अ स्टार नोजल, और फिर पाइप कीजिए सम नाइस क्यूट लिटिल स्टार्स अराउंड द होल बनौफी पाई, और आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा डिजाइन चाहिए। मैंने बाहर मोटे स्टार्स बनाए हैं और अंदर मैंने छोटे स्टार्स बनाए हैं, इट गिव्स अ डिफरेंट लुक टू द पाई। बस ऐसे ही रेडी हो जाता है ये। Now if you want, you can just sprinkle it with some grated chocolate या थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट कर लीजिए और फिर से इसे फ्रिज में डाल दीजिए 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद ये रेडी हो गया आपका बनौफी पाई। देखा कितना ईजी एंड सिंपल रेसिपी है, कट अ नाइस स्लाइस, सर्व इट इन अ प्लेट, एंड ऑल आई नीड टू से नाउ इज हैप्पी ईटिंग गाइज। So there you go guys, that is the recipe for the बनौफी पाई। देखा कितना easy, simple and fail proof dessert है।
प्लीज इसे बनाइए, टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस रेसिपी इन द कमेंट्स बिलो. एंड यू गाइस नो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू एनी ऑफ दोस क्वेरीज. तो प्लीज जाइए बनाइए इसे, एंड डोंट फॉरगेट व्हेयरएवर यू आर वॉचिंग मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब, शो मी योर लव एंड सपोर्ट. And aur kuch nahi, I'll see you tomorrow with another recipe. Till then, bye bye.